हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो आज बहुत ही कमाल का फॉन्ट लेकर आए हैं, जो कि सेल्फी राज का सॉन्ग आया था रेलिया रे, वही सॉन्ग का मैं फॉन्ट देने वाला हूँ। देखिए ये वाला, यही फॉन्ट देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में पासवर्ड लगा हुआ है जो दो स्टेप में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं किस तरह इसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो इसे डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉन्ट डाउनलोड लिंक, उस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार दिखेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेलियले, यही वाला फॉन्ट है, तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर दिए और यहाँ डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड भी हो गया। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं यहीं से। आप चाहे तो फाइल मैनेजर में जाके भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड वीडियो में आपको दो स्टेप में मिल जाएगा। तो पासवर्ड डाल दीजिएगा, यहाँ डालने के बाद ओपन कीजिएगा। चलिए हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो मेरे यहाँ पासवर्ड डाल चुके हैं, चलिए ओके कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये वाला फॉन्ट है, तो इसे हम किसी दूसरे फाइल में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं कहीं और। तो ये देखिए जो मेरा फाइल था उसमें सबसे ऊपर ही है, कॉपी कर लिए हैं। तो चलिए हम इसे लिख कर बताते हैं किस तरह लिखना है। तो इसे लिखने के लिए इस एक ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, जिसका नाम है यूनिकोड पैड। ये रहा ऐप, इसे ओपन कर लेते हैं। तो जो फॉन्ट अभी डाउनलोड किए हैं उसे यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ लाने के लिए ये देखिए डिफ़ॉल्ट वाले आइकन दिख रहा है, इसी पे क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है। आपने चले जाइएगा अपने फाइल मैनेजर में, तो जिस भी फोल्डर में आप रखे रहिएगा अनजिप करके, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम सबसे ऊपर ही रखे थे ये वाला, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आ चुका है। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं, देखिए इस प्रकार आपको लिख लेना है जिस तरह हम लिख रहे हैं। देखिए इस प्रकार आप लोगों को भी लिख लेना है। तो हम इसे स्पेस दे देते हैं, उसके बाद यहाँ से ये लिख लेते हैं। देखिए लिखा गया, उसके बाद यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चलेंगे अपने पिक्सल लैब ऐप में। तो ये रहा मेरे पिक्सल लैब ऐप, इसे ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, न्यू इसे हम डिलीट कर देंगे। एक नया टेक्स्ट लेंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और डबल टैप करके डिलीट करेंगे जो कॉपी किए थे, यहाँ दबा कर रखकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ओके कर लेंगे। तो मेरा यहाँ आ चुका है, देखिए ये वाला कोड निकल कर। तो उस फॉन्ट को यहाँ भी लाना पड़ेगा। यहाँ लाने के लिए ये वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे अपने फॉन्ट वाले ऑप्शन पर। ये देखिए मैं फॉन्ट लिखा हुआ है ये भी, इस पर क्लिक करेंगे और माई फोन पे जाएंगे। और यहाँ देखिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, जिस भी फोल्डर में रखे हैं उस फोल्डर में सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सबसे ऊपर ही रखे थे, तो इसे हम टिक करके और सेलेक्ट कर लेंगे, तो मेरा यहाँ आ जाएगा। देखिए तो इसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो मेरा यहाँ लिखा चुका है। देखिए तो इसी प्रकार आप लोगों को भी करना है। पेडिंग दे दे रहे हैं हम दोनों तरफ थोड़ा, ताकि अच्छा से लिखा जाए। तो इसका कलर करना है, कलर अपने हिसाब से कोई भी कलर इसे रख सकते हैं, बट हम देख लेते हैं कौन सा कलर है। यहाँ देखिए रेड का है, तो हम रेड में ही दे देंगे। अगर आप लोग अभी उस तरह यहाँ ग्रेडियंट पर क्लिक करके और इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे,
और इसको माइनस कर देंगे, दो ही रखेंगे। इधर कलर रेड कर देंगे पूरा बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, इसे ब्लैक कर देंगे। ओके कर दिए। यहाँ लेना है तो आ चुका है, और इसमें पेडिंग दे देंगे, सॉरी पेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक दे देंगे वाइट कलर का ताकि अच्छा लगे। देखिए ये चुका है, और इसको थोड़ा टेढ़ा करना है। टेढ़ा करने के लिए देखिए कर्व लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, और देखिए इस पर ज़्यादा नहीं 10% टेढ़ा कर लीजिएगा। उसके बाद 3D ऑप्शन पे आएंगे, 3D बना लेंगे। तो ये रहा मेरा 3D टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर लेंगे। ऑब्लिक करेंगे इसे ऊपर करके, डेप्थ को थोड़ा कम कर लेंगे, यहाँ से इतना रह देंगे 7, और कलर वाले आइकन पर आके कलर चूज कर लेंगे। तो कौन सा कलर है ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ येलो है तो हम भी येलो कलर यहाँ दे देते हैं इधर साइड करके। ये रहा मेरा येलो कलर, येलो पर क्लिक करके और डार्केन को पूरा 0 कर देंगे। और यहाँ देखिए स्ट्रोक लिखा है, वैसे इनेबल को ऑफ कर देंगे तो मेरा कलर आ चुका है। और यहाँ से देखिए ऑब्लिक एंगल है, इसको थोड़ा घुमाकर यहाँ ले जाएंगे, ये सब को छोड़ देंगे, और सबसे नीचे आएंगे लाइट एंगल को, लाइट एंगल घुमाकर यहाँ पर ले आएंगे। अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए इतना रहने देते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है लाइट। और यहाँ से इसे भी कम बेस करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, और चाहे तो एम्बॉस भी दे सकते हैं। देखिए तो यही फॉन्ट है, देख लीजिएगा आप लोग भी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा नया नया फॉन्ट PNG आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब